औद्योगिक क्षेत्र और एशिया के सबसे बड़े नेटेक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक पर आज केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे और नेटेक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण किया। नेटेक्स अनुभव केंद्र हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण करने के साथ ही हाई स्पीड ट्रैक पर हाई स्पीड विशेष ड्राइव ADS रासायनिक ट्रैक पर लाइव प्रशिक्षण किया गया। वाहन डायनामिक प्रयोगशाला विद्युत वाहन परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया गया। वहीं मीडिया के चर्चा के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिल्ली मुख्यालय और फाइलों से उठकर फील्ड पर जाकर देखने के निर्देश मिले हैं। उन्हीं के निर्देश के बाद मैं यहां पहुंचा हूं। मेरे अवलोकन में पाया गया कि जैसा आपके बारे में सुना था उससे अच्छा पाया गया है, वहीं कुछ सुधार की आवश्यकता भी है, अतः उसमें कुछ और अच्छा करने के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। ड्राइवर ट्रेनिंग को लेकर परिवहन मंत्री गडकरी जी से चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया में भारत बड़ा प्रतिस्पर्धी बन चुका है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी सर, आज ये नेटवर्क्स का निरीक्षण दौरा क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा सर? नेटवर्क्स पीथमपुर धार में मैंने ये अनुभव किया कि जिस उद्देश्य से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में नेटट्रिप परियोजना की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में 3 सेंटर बनाए, एक नेटट्रिक्स, एक चेन्नई और एक आईकैट गुड़गांव, इन संस्थानों में आज मैंने अनुभव किया कि वैश्विक स्तर की क्षमता वाला ये संस्थान और कई रिकॉर्ड काम इसने किए हैं और ऑटो इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन में और उनको बेहतर टेस्टिंग फैसिलिटी दे करके, मानक दे करके उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा, ऐसा मैंने अनुभव किया। श्रीमान, जैसे कि भारत देश अभी ई व्हीकल की ओर जा रहा है, तो ई व्हीकल्स के लिए अपन यहाँ पर क्या आगे प्रोसेस करने वाले, क्या प्रोग्रेस होने वाला है, क्या संपूर्ण रूप से व्हीकल्स में हम आगे जा रहे हैं? हमारी पहले स्कीम एक फ्रेम 1 स्कीम से 1,000 करोड़ के बजट से शुरू हुई। तमाम निजी क्षेत्र के लोग तो ई व्हीकल्स पर निजी तौर पर बढ़ रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, फिर भी उसको सपोर्ट देने के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम से हम लोगों ने फ्रेम 2 स्कीम शुरू की, जो बहुत ही सफल स्कीम है। और मैंने अभी हाल में उसकी टेस्टिंग फ्रेम 2 के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं उसके बहुत से OEM के उसके कंपोनेंट के टेस्टिंग के कामों में थोड़ी देरी होती थी, तो अभी टेस्टिंग 2 ही संस्थाएँ कर रही थी, एक ARI पुणे और आईकैट गुड़गांव। मैंने नेटेक्स को भी, चेन्नई वाली संस्था को भी कुछ टेस्टिंग का अधिकार देने का निर्णय पिछले दिन ही किया, अभी 15 दिन पहले इसका निर्णय किया। तो इस तरह ई व्हीकल्स में भारत बहुत तेज़ी से, माननीय मोदी जी का जो COP 26 में 2017 तक भारत 0 कार्बन के कंट्री के रूप में बनेगा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दृष्टि से हाइड्रोजन मिशन का भी गठन किया है, जिसमें 8 मिनिस्ट्रीज जुड़ी हैं, हमारा मंत्रालय भी उससे जुड़ा है, हम लोग तेज़ी से इन सब पर काम कर रहे हैं। हाई स्पीड वाहन में आपको सफ़र में कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वर्ल्ड के बहुत ही विश्वस्तरीय ट्रैक है, कोई कहीं किसी प्रकार का जर्क, कोई कठिनाई नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। और मुझे लगा कि हम इस नेटवर्क के ट्रैक के माध्यम से दुनिया में के देशों को टेस्टिंग के लिए यहाँ इनवाइट करने में सक्षम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।